फ्रेंड्स मटन इज रेडी। गरम गरम धुआं निकल रहा है। देखो मैं अपना भेस में आ गई हूँ, जैसा देश वैसा भेस, फिरता कहना अरे काहे की शर्म है कुड़िए जल्दी करना, मैंने ही करना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और आज एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज संडे के दिन मैं क्या बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कल सैटरडे था तो कुछ खास नहीं बनाया था मैंने, ब्लैक दाल बनाया था तो वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग वेज खाते हैं। आज संडे के दिन मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग अच्छी चीज़ें बनाया जाए। इंटरेस्टिंग मतलब जो चीज़ हम खाते हैं, मतलब एक नॉन वेज, हम लोग नॉन वेज ईटर है ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज बनेगा ये कतला माछ, कतला फिश है ये, और बनेगा मटन, क्योंकि वीर फिश नहीं खाता है तो मैंने सोचा वीर के लिए मटन बनाया जाए, इनफ है वीर के लिए, हो जाएगा। और ये कतला माछ का जो है ना ये तेल है, सो कतला फिश का ऑयल है ये। ये ऑयल को फ्राई करके हम लोग चावल के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और नमक, लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा प्याज डाल के, और ये है कतला माछ, तो हम लोग के लिए भी इनफ है दोनों के लिए। सो आज मैं ये बना रही हूँ और राइस। सो शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। पूरा मैं खाना बनाती हूँ तो नहीं दिखा पाऊँगी दोस्तों, सॉरी। बाकी का मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी जल्दी मिलती हूँ। यो यो यो, फिश हो रहा है फ्राई, और मटन मैंने नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया, साथ में थोड़ा खड़ा गरम मसाला डाला है, और टमाटर मैंने बॉईल कर लिया है, बॉईल कर रही हूँ क्योंकि टमाटर जब मैं मटन में डालूँगी ना, पका हुआ टमाटर रहेगा ना तो अच्छे से वो बनता है रस्सा, इसका जो कड़ी है। किसी दिन ट्राई कीजिएगा टमाटर बॉईल करके फिर मसाले में मिक्स करके फ्राई करने का। और ये मच्छी फ्राई कर रही हूँ मैं, और ये है तेल, तेल को लास्ट में फ्राई करूँगी। फिश फ्राई हो रहा है, मिलती हूँ आप सबसे। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। और ऑलरेडी क्रिसमस हो चुका है, बट हम लोगों ने सैटरडे को कुछ किया नहीं था तो सोचा कि आज का दिन हम लोग इन्जॉय करते हैं, क्योंकि आज संडे है। और सबसे अच्छी बात है विजय जी घर पे है, बिजी है थोड़ा, कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा मस्ती करते हैं। तो लीजिए, हाजिर हो गई। सब सोच रहे थे शिवाला कहाँ चलेगा। खाना एक्चुअली मैंने रात को तो कुछ नहीं बनाया, जो बनाया था मैंने दिन को बनाया था। अच्छा, मेरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो खाना बनाया हम लोगों ने लंच नहीं किया, और कल जो मैंने काली दाल बनाया था वो हम लोगों ने लंच में खाया, क्योंकि लंच बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। जैसे कि मैंने शेयर किया आप लोगों से, मटन बनाया है और फिश फ्राई किया है, तो वो हम लोग रात को डिनर में खाएंगे। और चावल मैं बनाऊंगी सुबह, जो चावल मैंने बनाया था वो दाल के साथ, कल काली दाल बनाया था ना, एक दिन के बाद दाल बहुत अच्छी लगती है काली दाल, तो दोपहर को हम लोगों ने वही खाया। अभी रात को हम लोग खाएंगे फिश फ्राई, मटन और मटन कम हो गया। लेकिन एक बात है, जो भी चीज आजकल आप बना रहे हो वहाँ बहुत बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस हो गई ना मेरी, आपने प्रैक्टिस करा दिया। देखो दर्शकों, एक मीठा, हाँ रुको रुको, देखने में टेस्टी लग रहा है, देखती मैं भी, बहुत अच्छा। बाला को ना केक लेके आएगा, बोलना पड़ेगा बालक को ना, तो एक बार बोल दो ना, बर्थडे के दिन भी केक नहीं काटा ना, तो उसको बोलती हूँ। अभी क्या टाइम है अभी? हाँ शॉप खुली है, राइट।
दिख रहा है। सो आज हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पूछ लो। मैं थोड़ा अनार जूस पी रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मूड में आ रही हूँ धीरे धीरे। अच्छा ये अपना राइस बनाना है, राइस तो कम है। हाँ बना रही हूँ, राइस का भिगा दूंगी, गर्म गर्म आएगा ना तभी। हम वो भी है, बट 31st का भी अपना टाइम है। 31st को अगर हम लोग जल्दी मीटअप करते हैं वो भी ठीक है। एक तारीख को करेंगे, दो तारीख को करेंगे, उसमें कौन सा एक कौन सा भाग जाएगा? शादी अटेंड करेगा, तीस की शादी है, 29 से 30 को भेजिए। तो 30 का भी, 31 का तो कुछ नहीं है उसका, 31 को पता नहीं है, शो से बोल रहा है, मुझे पता नहीं कुछ प्लानिंग है, अभी तक कुछ श्योर नहीं है। लेकिन पेमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी आप चावल कर लो, अपना खाना शुरू करते हैं। ठीक है, सो गाइस मैं आती हूँ चावल बनाने के बाद, मिलती हूँ आपसे। चावल बनाने के लिए आती हूँ। लव यू ऑल यार, आप लोग रियली बहुत दिन के बाद में आप लोगों से मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। भूख बहुत तेज लग रही है भाई, भूख बहुत तेज लग रही है। चलाती बहुत जल्दी जल्दी ट्री को डेकोरेशन किया था, तो लाइट्स जैसे ही मैंने ट्री के सामने लाया लाइट्स बंद हो गए। सो ये छोटा सा एक क्रिसमस ट्री का, ये थोड़ी लाइट्स लगी हुई है, जल रही है शायद, हाँ जल रही है, जल रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट्स लगाया मैंने, ये भी अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। यहाँ पे लाइट्स लगाया और यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन किया मैंने, ये ट्रॉफीज है ना यहाँ पे रखा हुआ, ये थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। बाकी पप्पा बैठे हैं, ये एक है जो आपकी जो टॉर्च जल रही है ना, हाँ उसको बंद करो तो और अच्छा लगेगा। अच्छा अब देखो अंधेरा हो गया पूरा, बिल्कुल अंधेरा हो गया। हाँ ये फिर तो नहीं, 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 नहीं 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 सही है, सही है। सो ये है ट्री का डेकोरेशन। ओ अंधेरे में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं तो, अच्छा है, हॉरर नहीं लग रही। ये लाइट अच्छे लग रही है, हॉरर नहीं लग रही। ऐसे करो, देखो इधर जाओ कैमरे में और वो लाइट को फेस करो। डार्क हो जा रहा है मगर अच्छा लग रहा है, बहुत। ट्री के सामने आऊंगी ना तो चेहरा अच्छा लगे, ये देखो। ओहो एक नंबर, एक लाइट ने कमाल कर दिया। खींचो तस्वीर अपनी, मजा आएगा। खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। मैंने चेंज कर लिया है, जैसे कि देख रहे हैं आप, नाइट सूट पहनी गई, मैं पहन गई हूँ। सो चेंज करके मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। फुल आ रहा है क्या? फुल आ रहा है, फुल। आई वांट माय फुल पिक्चर। देखो मैं अपना भेस में आ गई हूँ, जैसा देश वैसा भेस, फिरता है कहना। अरे काहे के शर्म है कुड़िए, जल्दी करे ना। इसमें मैं थोड़ा सा कोरिएंडर डालूंगी ताकि और खूबसूरत टेस्ट आ जाए कोरिएंडर से। वाओ
मैं पता है आपको, मैं कुकिंग मेरा जो है ना हॉबी है, और सिंगिंग डांसिंग मेरा पैशन है बचपन से ही। सो पहले तो डांस पैशन था, उसके बाद सिंगिंग भी पैशन बन गया। सो ये मटन रेडी है और इसके साथ मैं चावल बना रही हूँ और फिश फ्राई किया। सो खाना खा लिया ना आपने? बहुत अच्छा, कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा बना, नहीं झूठी तारीफ करते, टेस्टी बना। नहीं, जब आपको तो पता है, जो मेरा कोई ठीक नहीं लगेगा मैं बोलूंगा, वो बेटरमेंट के लिए बोलूंगा। फिश भी अच्छी लगी और ये भी अच्छा लगा, मटन भी अच्छा लगा। राइट, और बाला तंदर है अभी, वो आएगा बाहर, आएगा तो अच्छी बात है। तो ब्लॉग यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है? और रात हो गई है, काफ़ी रात हो गई है, 12:30 बज गए। तो अगली बार आते एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से भरपूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।